जो भी हमारे डाउट थे, मतलब ओवरऑल जो सेशन थे सारे बहुत अच्छे थे सारे। मनन सर से जो भी हम डाउट पूछते, इंटरेक्शन हुआ मनन सर से, तो मनन सर वेरी कामली पोलाइटली सबको आंसर करते थे, सबके डाउट क्लियर कर रहे थे उन्होंने। और जो स्ट्रक्चर भी था, जैसे डिजाइन पार्ट हो गया, जो भी ट्रैकिंग का हो गया, एस्कर हो गया, तो स्ट्रक्चर भी अच्छा था सारा। ओवरऑल जो सेशन थे, इंटरेक्शन था, वो सारा कवर किया। मगर एक चीज थी कि जो सारे बोल रहे, जैसे एक्सेस, तो हर एक को अलग अलग बताया गया कि किसी को 6 महीना बताया, किसी को 3 महीना। मेरे को पर्सनली बोला गया था कि 9 मंथ्स तक एक्सेस होगा। एक्सेस के बारे में ही अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे तो बेटर होगा सबके लिए, क्योंकि डेली मतलब हाँ, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करते या फिर लाइफ टाइम रखते तो भी ठीक था, मतलब सबके लिए अच्छा रहता। अगर कुछ डाउट है तो सेशन देख के फिर प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो भी डाउट थे सारे सर, मनन सर के जो भी लेक्चर सेशन किए थे, तो जो भी डाउट होगा तो उसके रिलेटेड देख के प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएगा। और दूसरा सर, एक इंटरेक्शन सेक्शन हुआ था, जैसे मनन सर नहीं थे तो रिव्यू के बारे में ही एक सेशन हुआ था, तो अगर उसको 21 में इंक्लूड कर रहे हो तो फिर एक सेशन मेरे को लगता है कि पर्सनली कल लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसको 21 में कंसिडर कर रहे हो तो फिर एक सेशन कल का बनता है। जो मनन सर ट्रेवलिंग कर रहे थे तो रिव्यू के बारे में, जैसे उसके बारे में ही हुआ था एक सेशन, अगर तो उसको 21 डेज में कंसिडर कर रहे हो तो फिर एक सेशन एक्स्ट्रा अगर कल हो अच्छा जाता तो तो अच्छा होता।